तो दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जितने भी आपका जो है साइंस का जो क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, चाहे वो आपका ग्रुप डी का हो, ठीक है, या फिर आपका एएलपी का हो और जेई का हो। तो जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं अभी 2018 और 19 में जितने भी रेलवे ने अभी तक पेपर कंडक्ट कराए हुए हैं और उस पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बाहर जो है अब आने वाले एग्जाम में जो आपके एनटीपीसी हो गया या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, तो इससे बाहर जो क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसी के पैटर्न पे मिलेंगे। और जो भी न्यूमेरिकल मिलेंगे उसमें हो सकता है डाटा का चेंजमेंट आ सकता है इधर उधर का, बाकी जो पैटर्न होगा वो पूरा आपका सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा कलेक्शन आपको देंगे जितने भी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा फोकस करता है रेलवे, तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। और आप जहां से भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या आप टेस्ट से आप जो है टेस्ट कोई लगा रहे हैं तो आप वहां से प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आप जो यहां पे सीखिएगा वो आपको पता चलते रहे कि मतलब कि मैं सही जगह से पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। ताकि पढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई जो हम क्वेश्चन सीख रहे हैं यदि कहीं दूसरे जगह पे आ रहा है तो वो मतलब उसी टाइप का आ रहा है या कुछ हम कुछ दूसरा पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ और आ रहा है, तो इस तरह से मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आप कंसेप्ट यहाँ पे सीखिए और इसके बाद जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपने प्रिपरेशन को जितना हो सके मतलब कि इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कीजिए। आपकी गलती कहाँ हो रही है उसको पकड़िए और आगे बढ़िए, यही लाइफ के लिए सबसे अच्छा रहता है। यदि आप रुक गए तो समझ लीजिए कि आपसे पीछे वाला जो बंदा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। पेपर तो अपने समय पर होना ही होना है। जो लोग धीरे धीरे भी जानते हैं, कछुआ के चाल भी चलते हैं, वो भी आपसे खरगोश वाली और कछुआ वाली हाल हो जाएगी। इसलिए कंटिन्यूटी आप बना के रखिए, 2 घंटा 4 घंटा डेली जितना भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, इसको मतलब की छोड़िए नहीं, नहीं तो वो कछुआ और खरगोश वाली हाल हो जाएगी। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये वीडियो को सीरियसली पूरा देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि आगे वीडियो जो है हम आपके लिए लाते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये हमारा जो सीरीज है वो 5th है, ठीक है। इससे पहले जो है 4 सीरीज आ चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप जनरल साइंस का क्वेश्चन रेलवे के लिए आप सर्च कीजिएगा, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और चाहे तो आप 1, 2, 3 करके देख सकते हैं या आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सारे भी क्वेश्चन जो है आपके ग्रुप डी, एएलपी, जेई, आरपीएफ, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। आरपीएफ में तो आपका साइंस का बहुत कम ही क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जो आपके जो है ग्रुप डी, एएलपी, जेई, इसमें जो है आपका क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो इसीलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस किया हूँ, क्योंकि साइंस का जो है वेटेज इन पेपरों मतलब इन एग्जाम में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सीरीज अच्छा लगेगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, इसी तरह आप अच्छी तरह से समझते रहिएगा। यदि कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो देखिए आज का क्वेश्चन आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा ताकि आपको भी पता चलेगा कि मतलब हमारा जो है रिवीजन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए सेल ऑफ मास 0.04 केजी इज फायर्ड बाय द गन ऑफ मास 120 केजी इफ द मोजल स्पीड ऑफ द सेल इज इन 90 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। तो देखिए सपोज कि ये आपका कोई गन है, ठीक है, गन कुछ इस टाइप से होता ही है आपका। तो ये जो गन है, ठीक है, इस गन से क्या किया जा रहा है कि आपको जो है एक 0.4 केजी का ये आपका कोई गोली है उसको छोड़ा जा रहा है इससे, ठीक है, 0.4 केजी का। और इसमें बताया जा रहा है ये जो गन है जिस गन के थ्रू इसको छोड़ा जा रहा है उसका जो मास है वो क्या दिया गया है, वो आपका दिया गया है 120 केजी दिया गया है। इसके बाद स्पीड की बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब इसको छोड़ा जा रहा है तो किस स्पीड से ये जा रहा है, तो इसके लिए स्पीड जो दी गई है यानी कि आपकी इसकी स्पीड जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो है आपका 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
और पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि जब आप मतलब गन छोड़ते हैं तो क्या होता है कि आपको पीछे की तरफ एक जो है झटका लगता है, तो उसी इस मतलब किस स्पीड से वो आपको मतलब कि रिकॉल करेगा, आपको पीछे की तरफ जो झटका लगता है वो किस स्पीड से लगेगा, वो चीज आपको बतानी है, यानी कि स्पीड ऑफ गन आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है। अब देखिए, इसके पीछे कंसेप्ट जो रहता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट होता है क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो क्या कहता है कि आपका आफ्टर मोमेंटम और बिफोर दोनों सेम होता है, और उसी कंसेप्ट पे ये बनने वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप कंसेप्ट सीख लीजिए कि क्या कंसेप्ट कहता है। कंसेप्ट ये कहता है कि सपोज कोई बॉडी मतलब जिसे यहाँ पे m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है आपका u1 है। ठीक है, और ये बॉडी जो है सेकेंड ये m2 है। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये आपका क्या है, ये आप सपोज v2 है। तो ये वाला जो होता है आपका क्या है, कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम। कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम बस यही अप्लाई कीजिए, और भी इसका बड़ा रूप होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो है यही वाला मतलब जो आपका फार्मूला है वो सेटेबल और मतलब की सटीक बैठेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करते हैं कि m1, तो यहाँ पे यदि हम इसका बात करते हैं आपका जो आपका ये है 120 kg है, तो यहाँ पे आप रख लीजिए 120 kg, और चाहे तो आप एक जो फार्मूला जो ये यहाँ से आता है उसको समझ लीजिए पहले। तो देखिए, सपोज कि ये आपका m1 है, यदि इनिशियल वेलोसिटी u1 है। ठीक है, इसके बाद ये इसका m1 है और फाइनल वेलोसिटी जो है v1 है, और सपोज कि ये m2 है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है सपोज u2 है, और ये जो है आपका m2 और फाइनल वेलोसिटी सपोज इसका जो है v2 है। तो ये आपका जो होता है पूरा ये आपका कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इसके बाद फाइनल वेलोसिटी, और आफ्टर देखा जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। यदि मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, तो देखिए यहाँ पे यदि हम दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक तो आपका जो है ये गोली है और दूसरा जो है आपका ये जो है गन है। ठीक है, यदि गन का हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका u1 जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कोई वेलोसिटी इसमें नहीं है। तो जब ये वाला पोर्शन यदि u1 जीरो हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी की बात करी जाए तो यही फाइनल वेलोसिटी जो आपकी रिकॉलिंग वेलोसिटी है यही आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि इसमें जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो यानी कि यहां से आप देखिएगा तो ये वाला केवल आपको आएगा ये यहां से, तो ये क्या आएगा आपका m1 v1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि मैं गोली की बात करता हूं तो गोली की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो भी जीरो है। गोली की इनिशियल वेलोसिटी ये जो u2 है इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी क्या है, स्थिर है, मतलब कोई मतलब उसमें मोशन नहीं है। तो u2 जब जीरो होगा तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये आपका m2 v2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये v2 जो दिया गया है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे 90 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो है वो गोली छुड़ी गई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका क्या आएगा, m2 v2 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये v1 जो कि फाइनल वेलोसिटी इसका, तो आता कहाँ से है ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कभी कभी यदि मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसा एप्लीकेशन रहता है जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी गई रहती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमको इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जब इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो ये पूरा जीरो होगा, यदि इनिशियल वेलोसिटी दी गई है तो हमको उसको पुट करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का एप्लीकेशन मतलब दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन दिया गया है इसमें जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो यहाँ पे अब देखिए कि हाँ, एक चीज और भी आपको मालूम ही होगा ये चीज, क्योंकि आपका मोमेंटम जो होता है एम भी होता है। ठीक है, और यही हम बात कर रहे हैं आपके मोमेंटम कन्वर्जेंस कंजर्वेशन की। तो ये चीज जो है यही से आई हुई है पूरा। तो ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट सेकंड, इसके बाद ये इनिशियल फाइनल दोनों का है, तो सेम आएगा। ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी बेस्ड आप क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड जो है आप क्वेश्चन कीजिए। एम वन की बात करता हूँ, ये हमारा एम वन है। एम वन जो है दिया गया है वो कितना है, 120 है। ठीक है, V1 की मैं यदि बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए V1 जो है पूछा जा रहा है आपसे, और M2 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो M2 कितना है यहाँ पे आपका, तो M2 देखिए यहाँ पे जो दिया गया है वो 0.04 है,
और V2 जो है आपका बोला जा रहा है कि इतने स्पीड से वो जा रहा है। अब यहाँ से आप इजिली इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो V1 इज इक्वल टू जो आएगा आपका वो 0.04 इंटू ये 9 और अपॉन में जो है यहाँ पे आएगा वो आपका 120 होगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 3 × 10^-2 आ जाएगा। तो ये देखिए कंसेप्ट आपको हम सिखा रहे हैं, बाकी जो है आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है, मेन कंसेप्ट जो होता है आपका यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है और उसके आधार पे आप फार्मूला में जो है थोड़ा बहुत चेंज करके आप आंसर ला सकते हैं कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो बिल्कुल आप कंसेप्ट को ध्यान में रख लीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी मिलेगा उसको आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो ग्रुप है, ठीक है, तो मतलब कौन सा ग्रुप है जो कि नॉन रिएक्टिव गैसेस है। उसमें नॉन रिएक्टिव गैस को और भी किस नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं कि जो आपका 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, टोटल जो होता है आपका मतलब कि 18 ग्रुप होते हैं और लास्ट ग्रुप में ही जो है आपका टोटल नॉन रिएक्टिव गैस को रखा गया है। इसको देखिए याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, हेना नेहा और करीना जेना रानी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, ये इस बहुत काम आएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत मतलब बनते हैं और एक आपका फर्स्ट ग्रुप से भी पूछा जाता है उससे भी बनते हैं, तो उसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका भी होता है कि आपका हीलियम हाइड्रोजन होता है, इसके बाद जो होता है तो ये आपका जो होता है लिथियम होता है, हेलिना कर रब से फरियाद, तो ये जो है आपका जो है बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप और ये आपका 18 ग्रुप, इनके एलिमेंट जो है आपको बिल्कुल याद होने चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ये पीरियड बेस पे पूछा जा सकता है, कभी ग्रुप बेस पे पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनके एलिमेंट कम से कम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये देखिए आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका 18 ग्रुप में है, कौन कौन से एलिमेंट है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका इन CO2, ठीक है, C एंड O2 आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ बाय मास। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी H2O से भी मतलब H2O भी ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसी को समझ लीजिए आप, दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे बाय मास पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की यदि बात करें तो आप जानते हैं कि ये आपका जो होता है 6 और ये 12 होता है। यदि मास की बात करें तो इसका कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे कार्बन के एटम कितने हैं, एक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो जानते हैं एक ऑक्सीजन का जो होता है आप देखे हैं ये कितना होता है, 16 होता है, क्योंकि ये 8 और ये आपका 16 इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ एटॉमिक मास जो होगा वो मास कितना होगा, 16 होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। जब इनको आप कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 4×3 = 12 और 4×8 = 32, यानी कि 3:8 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3:8। एक और एग्जांपल इसी पे ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट भी और क्लियर हो जाए, जो कि बराबर पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होगा रेशियो क्या होगा बाई मास, ठीक है। तो देखिए इसको भी आप इजिली समझिए, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के दो एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया और आप यहाँ पे जो है हाइड्रोजन का जो होता है ये 1 होता है, तो यहाँ पे ये 2 है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है, तो ये आप देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका 9800 जूल का एक एनर्जी है वाज स्पेंट टू राइज द मास ऑफ 70 kg, द मास वाज रेज टू हाइट ऑफ द, तो यदि सपोज कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये 70 kg का बॉडी है, इसपे जो है इतना जूल का एनर्जी मतलब की लगाया जा रहा है, तो इसके मास में कितना का मतलब की डिफॉर्मेशन होगा, ये आपको चीज बताना है कितना बढ़ेगा। तो ये आप सिंपल सी जानते हैं, एक जो आपका जो होता है पोटेंशियल से जो रिलेटेड होता है MgH, ठीक है। तो इस वाले में जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका 98 ये आपका जूल दिया गया है और यहाँ पे ये 70 kg दिया गया है और G की वैल्यू बोला गया है आपको, नहीं बोला गया है तो आप जो है 10 लीजिए और H की वैल्यू आपको निकालना है,
तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से 1010 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको कटा दीजिएगा तो ये आपका 7 × 7 और बचा 2, ये 28, सच्चों के 28, यानी कि एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 होगी। और हाइट कभी जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। देखिए जो ग्रुप डी का है पेपर या आपका एएलपी का, उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपको जो है न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जितना भी हो सकता है मैं आपको जितना भी अभी तक आया हुआ क्वेश्चन मैं पूरा कराऊंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप जो है हमेशा बने रहिए ताकि आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं टाइम टू टाइम। यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स अप्लाइड व्हेन द नो वर्क इज डन। तो देखिए आपको वर्क का यदि आपको मालूम है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि फोर्स का डायरेक्शन और आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यदि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी, थीटा की वैल्यू जो 0 होगी, तो इस केस में मैक्सिमम होता है वर्क डन। इस केस में क्या होता है, ये वर्क डन आता है वो एफडी आएगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, और ये क्या होता है आपका मैक्सिमम होता है। मिनिमम किस केस में होता है, सपोज कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और जब 90 डिग्री रखिएगा यहाँ पे कॉस थीटा 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो होगा ये क्या होगा, मिनिमम होता है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ टू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ द टेबल साल्ट। सबसे पहले आप टेबल साल्ट समझ लीजिए कि टेबल साल्ट किसको बोलते हैं, तो NaCl जो होता है आपका, ठीक है, जो कि आपका सोडियम क्लोराइड होता है, उसको टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एक जो है आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब Na, ठीक है, OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बोला जा रहा है किससे रिएक्ट कराया जाए। तो देखिए आप जानते हैं कि जो साल्ट NaCl बनता है, ये आपका प्रोडक्ट बता दिया गया है कि NaCl बनता है, यहाँ पे क्या रखना है आपको ये बताना है। तो आप या तो यहाँ से आप चूज कर लीजिए, या बहुत ही बेसिक ये आपका इक्वेशन होता है कि आप जो है बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये साल्ट मिलता है, और आपको हाइड्रोजन, ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पे एसिड रखना होगा। अब एसिड देख लीजिए यहाँ पे कौन सा है, एसिड आपको यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही दिख रहा है, तो यहाँ पे आप HCl रख दीजिएगा, तो ये आपका NaCl मिल जाएगा और आपका वाटर गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो आप इक्वेशन का भी प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इन्होंने बढ़ा दिया है पहले से पेपर से, तो पहले तो इतना इक्वेशन नहीं आता था। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि वेव प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू द एक्सप्लोजन आर। तो आपका जो होता है सी के अंदर बॉटम में एक्सप्लोजन की वजह से जो आपका वेव जनरेट होता है वो कौन सा वेव जनरेट होता है, तो देखिए वो जो वेव होता है आपका वो साउंड वेव होता है, ठीक है, और साउंड वेव जो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। तो ये चीज आपको जो है ध्यान में रखनी है कि कौन सा वेव जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग द गिवन एटॉमिक नंबर हैव देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिसेम्बल मैग्नीशियम। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे, तो देखिए मतलब कौन से ऐसे इसमें से एलिमेंट है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है मैग्नीशियम के केमिकल प्रॉपर्टी से जो है मिलती जुलती है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले, यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे और भी कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब कोई दूसरा एलिमेंट हो जाए, तो भी आपको जो कंसेप्ट यूज करना है वो ये वाला कंसेप्ट यूज करना है कि मैग्नीशियम का आदि देखा जाए, यहाँ पे मैग्नीशियम का ये आपका 12 होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो ये 2, 8 और 2 होगा। और आप एक चीज क्लियर जानते हैं कि किसी भी ग्रुप के, सपोज ये आपका ये ग्रुप और पीरियड निकालने आपको आता होगा,
क्योंकि मैं कई बार इस पे बता चुका हूँ और मैं अपने वीडियो में हमेशा इसको बताते रहता हूँ मैं, क्योंकि इस पे बहुत मतलब बार घुमा फिरा क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि वो जो एलिमेंट है किस ग्रुप का है। यदि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है पीरियोडिक टेबल टू का एलिमेंट है ये, और आप चाहे तो देख सकते हैं कि ये मतलब टू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपका यहां से जैसे ग्रुप का ये मालूम चल गया कि ये जो है आपका ग्रुप कौन सा है, ये चीज आपको मालूम चल गई। सर पीरियड की बात बोली जाए, क्योंकि पीरियड की भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पीरियड कहां से मालूम चलता है कि ये आपको सेल से मालूम चलता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में जो है आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यदि हम पीरियड की बात करें आपसे कि पीरियड क्या होगा इसका, तो ये आपका थर्ड होगा। जितने नंबर ऑफ सेल होते हैं वो आपके पीरियड देते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ग्रुप देता है। तो यहां से अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इसका बेसिक है, बाकी इसी बेसिक से ये क्वेश्चन बनेगा और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो देखिए, ये जो एलिमेंट आ रहा है मैग्नीशियम, वो आपका सेकेंड ग्रुप का आ रहा है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, जो भी जितने भी सेकेंड एलिमेंट मतलब सेकेंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट आएंगे, तो उनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि हर एक ग्रुप के जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब आपको यहां से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका कि मतलब कि आपका सेकेंड ग्रुप में आता है। तो देखिए 11 का देखिएगा तो 2, 8 और ये 1, ये आपका ग्रुप नंबर 1 में आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी बात करता हूं तो 2, 8, 3 ये आपका ग्रुप नंबर मतलब कि 3 में आएगा। इसकी बात करूंगा तो 2, 8 ये आपका और ये 8 हो जाएगा और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, 10, 18, 19 तो ये आपका 1 में आएगा। इसकी मैं बात करता हूं तो 2 और ये आपका 2। यहां पे देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ये आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सेकेंड है, आपका बेरिलियम है ये, तो बेटा मांगे कार सर राजी, ये आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आप देख सकते हैं, तो ये क्या आएगा आपका सेकेंड ग्रुप का आएगा। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो निकालते कैसे हैं ये मैं आपको प्रोसेस बता दिया हूँ, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, मैं गिना दे रहा हूँ आपको किस तरह से क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एलिमेंट जो है चेंज मिल सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो है सेम मिलेगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। ठीक है, इसके बाद इनमें एलिमेंट देकर पूछा जा सकता है कि ये किस किस ग्रुप के हैं या किस किस पीरियड के हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह से निकालते हैं किसी भी ग्रुप का, वो चीज आपको मैंने बता दिया, और ये बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप इसको पढ़िए, बोला गया है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड आर प्रेजेंट इन आपका 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम में कितने मतलब कि आपके मोल प्रेजेंट होंगे सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आपको मिलेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जैसे आपका फॉर्मूला मालूम होगा कि H2SO4 होता है। ठीक है, और आपको जो है यहाँ पे 25 ग्राम में बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के जो है कितने मोल होंगे। आपको ये चीज मालूम होगा कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवेन मास अपॉन में जो होता है मोलर मास होता है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले पे जो ये बनेगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे मोलर मास बोला जाए, आपको जो है मोल निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे जो दिया गया है गिवेन वो कितना है आपका 25 ग्राम है, और जब इसका मोलर मास निकालिएगा, यानी कि इसका जो है आप एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर हो गया है, तो मोलर मास निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का, और सल्फर का 1 है, तो ये आपका 32 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आपका 32 और ये आपका 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। अब मोलर मास यहाँ पे 98 आप रख दीजिए, ये आपका जो है मोल निकल के आ जाएगा, और इसका राइट आंसर जो होगा वो 0.255 होगा। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बाकी ये कंसेप्ट है, आप ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा,
क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन अभी मतलब दिखाऊंगा कि कितने कुछ पूछे गए हैं इस पे, थोड़ा बहुत इसमें जो है मॉडिफिकेशन करके आपको जो है क्वेश्चन मतलब बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे बोला जा रहा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ठीक है, ये जो है कितना होता है मतलब अर्थ के मतलब रिस्पेक्ट में जो मून पे जो वेट होता है वो कितना होता है। इस पे भी देखिए आपको ये क्वेश्चन बहुत बार मिला होगा, तो इसका आंसर जो है बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन आप कभी कभी गलती कर बैठते हैं। गलती कब कर बैठते हैं कि जब ये जो है वेट की जगह पे मास कर देता है, आप जल्दबाजी में जो है यहाँ पे जो है 1/6 कर देते हैं यदि यहाँ पे भी मास रहता है, और यही क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाता है, और बहुत बार लोग गलत करते हैं, ठीक है। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो आप देख लीजिएगा कि वेट पूछा जा रहा है या मास पूछा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो वेट का जो फार्मूला होता है वो एम जी होता है, ये डिपेंड करता है जी की वैल्यू पे, ठीक है, जी की वैल्यू के ही वजह से वो 1/6 होता है जो आपका वेट होता है, ठीक है, मून पे अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेट होता है 1/6 होता है, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे 60 है तो वहां पे जो होगा वो 1/6 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज वेट के मतलब की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये वैलिड रहता है, बाकी मास जो होता है वो अब पूरा इनवर्स में जो होता है वो सेम होता है आपका मास, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यदि मास पूछा जाए तो यहाँ पे जो है आपका 1 हो जाएगा क्योंकि ये बराबर होता है, हाँ यदि वेट पूछा जाए तो 1/6 होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप मतलब ध्यान में रखिएगा, ये बेसिकली अंतर आता है ड्यू टू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि अ पार्टिकल्स इन द मीडियम कंप्लीट 40 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक चीज आप याद रखिएगा, किसी भी टाइप से इसको निकाल सकते हैं, जैसे 1/ टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है, और यही चीज को बोला जाता है कि 1 सेकेंड में जो है जितना वाइब्रेशन होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बोलती है। तो हम डायरेक्ट जो है टाइम पीरियड निकालें या फिर मतलब उसको इन्वर्स करें, उससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट जो मतलब डिफिनेशन है उसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैं बताया कि 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है वही क्या होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे 2.5 सेकेंड में देखा जाए तो ये 40 वाइब्रेशन हो रहा है, तो 1 सेकेंड में देखा जाए तो कितना वाइब्रेशन होगा ये, तो ये 40/2.5, ठीक है। अब इसको जो आप कटाइएगा तो ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा, और इसको जो है आप कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ये आपकी क्या निकली, ये 16 हर्ट्ज निकल जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। यदि आप इस वाले मेथड से भी कीजिएगा, ये बेसिक डिफिनेशन के मेथड से है, बाकी आप उस वाले से भी कीजिएगा तो सेम ही आएगा, कोई अंतर आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा आता है और न्यूमेरिकल जो है थोड़ा थोड़ा अंतर करने पे मतलब कि वो अलग आंसर हो जाता है उसका, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे हम आपसे, देखिए यहाँ पे जो है आपका बोला जा रहा है ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन हिल, कोई मतलब कि हिल है जिसपे की मतलब रोल डाउन हो रहा है। तो देखिए रोल डाउन जो भी हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नीचे की तरफ ये बॉडी आएगी, ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा, ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी वो इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि हाइट जो है ये मतलब कम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी चूंकि मोशन में है तो वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इनमें क्या होता है, ये दोनों होता है, तो इस पे कंसेप्ट पे ये तो चलिए ठीक है मतलब दोनों होगा, लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि मतलब कि ऊपर से नीचे आता है तो कौन सी एनर्जी कम या ज्यादा होती है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एज रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है, बोला जा रहा है कि आपका 40 केजी का गर्ल्स रन अप अप फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स हैविंग द राइज द 5 मीटर्स इन 4 सेकेंड, द पावर डेवलप्ड बाय द हर विल बी, कितना पावर मतलब डेवलप किया जाएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है, एक बेसिक फार्मूला जो होता है ये आप याद रखिएगा, और टाइम ज्यादा है मतलब वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट इस पे बैठा दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 40 की जो दिया गया है, एज की वैल्यू यहाँ पे बोल दिया, एज जी की वैल्यू बोल दिया गया है कि आप जो है 10 ले लीजिए, और एज की वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया है आपको 5 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे 5 ले लीजिए और यहाँ पे 4 सेकेंड ये दिया गया है, और पावर जितना भी जनरेट होकर आए आप देख लीजिएगा,
तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा, 500 वाट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू ली जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी ली जाती है। तो ये आप डायरेक्ट मतलब फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है एरे ऑफ द लाइट पासिस फ्रॉम द वाटर टू ग्लास इट बेंड। तो देखिए, आपको एक चीज ये भी बता दे रहा हूं मैं कि सपोज ये आपका रेफरेंस है और ये मीडियम वन है और ये आपका मीडियम टू है, ठीक है। यदि आपका कोई रे मतलब लाइट जो है, यदि सपोज मीडियम वन से जो है, ठीक है, मीडियम वन से मीडियम टू में जा रही है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो मीडियम वन से इंसिडेंट हो रही है मीडियम टू में जा रही है। तो यदि मान लेते हैं कि ये मीडियम जो है वो डेंसर है, ठीक है, ये मीडियम जो है आपका डेंसर है और ये मीडियम जो है वो आपका रेयरर है, तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, जब ये डेंसर टू रेयरर की तरफ जाती है तो ये क्या होती है कि आपका ये आपका नॉर्मल से, ये सपोज नॉर्मल है आपका, ठीक है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल से अवे होती है ये, ठीक है, इस तरह से भागेगी। यदि यही चेंज हो जाता है, सपोज कि ये कंडीशन हो गया आपका कि ये आपका ये हो गया, यहाँ पे जो है रेयरर मीडियम हो गया और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, तो ये रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगा तो इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल की तरफ जाती है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है तो इसके तरफ बेंड होती है। तो ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है आपको। बस क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूं ताकि क्वेश्चन जो है इससे बेस्ट आए तो आपसे बने। मेरा क्वेश्चन ही केवल कराने का मकसद नहीं है, आपको जो है कंसेप्ट भी बताने का मेरा मकसद है ताकि इस कंसेप्ट पे यदि कभी भी क्वेश्चन आए तो आपसे बननी चाहिए। तो देखिए, याद रखिएगा कि जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है तो जो लाइट रे होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। यदि रेयरर टू डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, आपका टूवर्ड द नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे पता करते हैं, तो दो तीन चीज का जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एयर का, तो ये आपका 1 होता है, ठीक है। इसी तरह ग्लास का जो होता है वो आपका शायद 1.5 या 3 होता है, ये चीज आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए, इससे ये पता चल गया कि ये जो है रेयरर मीडियम है, ये आपका जो है पता चल गया कि डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मतलब कि ये वाटर टू आपका, यहाँ पे वाटर है तो वाटर भी जो है वाटर का भी कम होता है ग्लास के कंपेयर में, ठीक है, वाटर का भी आपका 1.33 होता है। तो ये वाटर जो है आपका रेयरर मीडियम है, यानी ये वाला केस बन रहा है। तो ये देखिए वाटर मतलब रेयरर मीडियम, ये वाटर यानी कि रेयरर मीडियम और ये आपका ग्लास यानी कि ये डेंसर मीडियम, तो ये किधर जाएगा आपका, टूवर्ड द नॉर्मल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका टूवर्ड द नॉर्मल एंड ये स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्पीड के बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंपल सी बात है कि आपका रेयरर में होगा, ठीक है, तो स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर में जाएगा तो कम हो जाएगा। डेंसर मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा है उसकी, तो डेंसिटी यदि ज्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप जो है इजिली आंसर टिक कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो है आपका जो वीडियो का टाइम है थोड़ा सा लेंथ ज्यादा हो जा रहा है, तो एक्चुअली क्या है कि कंसेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। मैं सोचता हूँ कि मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन कंसेप्ट बताने लगता हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो ही जाता है। तो ये वीडियो जो है यहीं पे हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट अभी जो आएगा तो आप देखना ना भूलिए, बराबर ये वीडियो आपको आपके एग्जाम डेट तक आता रहेगा, ठीक है। और आपका अभी जो एग्जाम होने वाला है, जैसे कि NTPC का अभी फर्स्ट होने वाला है, इसके बाद जो है आपका ग्रुप डी का होने वाला है, तो आप NTPC पर अपना पूरा अभी ध्यान रखिए और साथ में जो है ग्रुप डी पे भी, आप जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी पे भी ध्यान रखिए। NTPC में भी आपका साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, और आपका ग्रुप डी में तो बहुत ही अच्छा रहता है साइंस का वेटेज, ठीक है। तो आप जो है पर डे के हिसाब से आप अपना क्यूज समझ कर या फिर आप अपना जो है रिविजन समझ कर आप डेली ये वीडियो जो है देखते रहिए, ताकि आप जो है हमेशा अपडेट जो रहें साइंस से, ताकि आपका जो ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा दिन हो गया है और कॉन्सेप्ट हमारा भूल गया है। यदि कॉन्सेप्ट भूल भी गया है तो वहां पे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।